हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए जो है बहुत ही खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय यानी UPSI गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक यानी ASI की लिपिक और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक यानी लेखा के पदों पर सीधी भर्ती देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। मैं आज बहुत कुछ आपको यहाँ पे सब कुछ पूरा डिटेल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हर एक बात को ध्यान समझते हैं कि जैसे मैं अगर आप सभी लोगों के लिए बात करूं कि पुलिस उपनिरीक्षक जो है गोपनीय जो है फ्रेंड्स समूह गा है, तो इसकी कितनी टोटल वैकेंसी है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो टोटल कितनी है, 268 है। उसके बाद बात करें पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक की, तो फ्रेंड्स इसकी कितनी है आपको देखने को मिली है, 449। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स पुलिस सहायक उप निरीक्षक की कितनी है, तो फ्रेंड्स 204, यानी टोटल कुल कितने पद है फ्रेंड्स, 921 टोटल पोस्ट हैं। ये आपको ध्यान से समझना, टोटल 921 पोस्ट हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम आप लोगों के लिए बात करें तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है कि इन देखिए श्रेणीवार यहाँ पे देखिए जैसा कि फ्रेंड्स दिया है, जनरल के लिए टोटल कितनी सीट है, 114। आर्थिक रूप से जो कमजोर है 25 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 71 है फ्रेंड्स। अनुसूचित जात के लिए 54 है। अनुसूचित जनजात के लिए 4 है। और टोटल कितने पोस्ट है, 268 पोस्ट है। क्लियर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगर हम आगे बात करते हैं तो पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए टोटल कितने पद है, तो फ्रेंड्स 449 पद यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स पुलिस सहायक उप निरीक्षक के, तो टोटल कितने पद यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, 204 पद यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगर हम आप सभी लोगों से बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो ऑनलाइन आपका होगा वो कब से होगा, 7 जनवरी से होगा। कब से होगा फ्रेंड्स, 7 जनवरी से फ्रेंड्स आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। 28 जनवरी फ्रेंड्स आप सभी लोगों का क्या है, लास्ट तिथि है। और संशोधन आप कब कर सकते हैं फ्रेंड्स, 30 जनवरी तक कर सकते हैं। अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो फ्रेंड्स टोटल कितने हैं, 400 रुपए हैं। टोटल कितने लगे हैं, टोटल 400 रुपए लगेंगे फ्रेंड्स। अगर हम राष्ट्रीय अर्हता की बात करें तो आप भारत के नागरिक हों तो आप भारत के नागरिक हैं, इसमें कुछ सोचने वाली बात इसमें नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, तो यहाँ पे जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक आप जो है किए हों, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और कम से कम देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है कि आप सभी लोगों को 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आपको टाइपिंग आना चाहिए, और 30 शब्द प्रति मिनट जो है फ्रेंड्स आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पे इंग्लिश आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपिक आना चाहिए, यानी फ्रेंड्स आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स आप शॉर्ट हैंड सीखना बहुत ही आसान नहीं है। जो बच्चे सोचते हैं मैं फॉर्म भर दूंगा 1.5-2 महीने में सीख लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स कम से कम आपको 1 साल लगेगा आपको शॉर्ट हैंड सीखने में कायदे से। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड जैसा कि ये सारी चीजें यहाँ पे समझ लिए हैं, अगर हम पुलिस सहायक उप निरीक्षक की बात करते हैं तो इसमें भी वही है फ्रेंड्स, आपको 25 शब्द प्रति मिनट जो है हिंदी टंकण आना चाहिए, और इंग्लिश के लिए कम से कम देखिए फ्रेंड्स 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको यहाँ पे आना चाहिए, जो है किसके लिए, लिपिक के लिए, ASI के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आपके पास देखिए कोई ना कोई भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIELTS से आप सभी लोगों के पास कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए। ओ लेवल की परीक्षा आप क्या किए हो फ्रेंड्स, पास किए हों, इस बात का ध्यान देना जैसा कि यहाँ पे दिया है। उसके बाद बात करते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए, तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या दिया है कि आप सभी लोगों को देखिए फ्रेंड्स विश्वविद्यालय से स्नातक किए हों, परास्नातक डिप्लोमा हो। उसके बाद कह रहा है कम से कम देखिए फ्रेंड्स आपको 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण आपको आना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, ओ लेवल परीक्षा आप उत्तीर्ण किए हों।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये आवेदन है, जैसा कि सारी चीजें आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ देख सकते हैं, यानी कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए फ्रेंड्स। कम से कम देखिए यहाँ पे दिया है कि एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे आयु की बात करें, तो अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 21 साल की एज क्या किया हो फ्रेंड्स, पूर्ण कर लिया हो। उसके बाद देखें फ्रेंड्स और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म कब से कब होना चाहिए फ्रेंड्स, 1/7/1995 से पूर्व और 1/7/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब देखें फ्रेंड्स जनरल वालों के लिए क्या है 21 से 28 साल, और अगर हम OBC SC ST की बात करते हैं तो फ्रेंड्स उनके लिए कितना है 33 साल, यानी उनको 5 साल की छूट दी गई है, इस बात का ध्यान देना। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब चरित्र हो गया फ्रेंड्स, ये सब कोई वो नहीं है, वैवाहिक परिस्थिति देख सकते हैं, टिप्पणी है, शारीरिक क्या है स्वस्थता है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है, किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जबकि मानसिक शारीरिक दृष्टि उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, और आपके पास कोई दोष नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया है। भर्ती की प्रक्रिया देखा देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोग देख सकते हैं कि जैसा कि फ्रेंड्स अगर यह आपकी एग्जाम क्या होगा ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगा, तो इसमें देखिए आप जो आपकी जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स वो 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा की जाएगी, जिसमें टोटल कितने प्रश्न होंगे फ्रेंड्स 200 आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और जो फ्रेंड्स समय आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे होगा। इस लिखित परीक्षा में देखिए फ्रेंड्स आपको दिया है कि सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान टोटल 100 अंकों का पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स सामयिक विषय कितने का होगा फ्रेंड्स 100 अंकों का होगा। उसके बाद करें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी फ्रेंड्स 100 अंकों का होगा। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 100-100 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि यानी 400 अंकों की जो है एग्जाम होंगे, टोटल 200 प्रश्न आएंगे, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी समय 2.5 घंटे आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक कंडीशन और दी गई है कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में आपको देखिए फ्रेंड्स 35% जो है अंक लाने हैं नॉर्मलाइज्ड, और कुल अंक 40% जो है आपको क्या लाने हैं प्रसामान्य यानी नॉर्मलाइज्ड अंक प्राप्त करने वाले, मतलब कि ये वही लोग पात्र होंगे इस बात का यहाँ पे, जैसा कि सारी चीजें आप सभी लोग देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे कि फ्रेंड्स ये सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स जितनी जरूरी जानकारी थी उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया है कि जो हाइट है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जैसा कि यूपीपी में 168 सेंटीमीटर है, ये सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स अनुसूचित जनजाति के लिए 156 सेंटीमीटर है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर सीना की बात करते हैं तो आपका कितना होना चाहिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, और फुलाने पर कितना होना चाहिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ बात करें तो फ्रेंड्स अनुसूचित जातियों के लिए कितना होना चाहिए यहाँ से 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर की यहाँ पे हाइट इनकी होनी चाहिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब वजन देखिए फ्रेंड्स न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए, यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं। अब कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिपिक परीक्षा फ्रेंड्स जो होगी ये आपको पता ही है कि स्टेनो आपको आना चाहिए, शॉर्ट हैंड आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि यहाँ पे सारी चीजें आप लोग देख ही रहे हैं, उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेबस की, देखिए आरक्षण की छूट है ये फ्रेंड्स, जा सारी चीजें मैंने बता दिया, EWS के लिए था ये 5 साल। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि ये सारी चीजें स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, तो सिलेबस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स अब देखिए आते हैं सीधा कहाँ पे सिलेबस पे। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका सिलेबस आपको देखिए फ्रेंड्स सिलेबस जरूर पता होना चाहिए, आप किसकी तैयारी जैसा कि फ्रेंड्स आप फॉर्म भरेंगे ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि फ्रेंड्स जो आप फॉर्म भरने वाले हैं रंगीन फोटो में होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। सब कुछ सारी देखिए जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, कितने KB से कितने KB के बीच में होना चाहिए, चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, नामांकन के लिए 6 महीने के भीतर लिया गया हो, सफेद हल्के ग्रे रंग की क्या हो पृष्ठभूमि हो, ये सारी चीजें फ्रेंड्स आप सभी लोग देख लीजिएगा, खूब
बेहतर तरीके से। और फ्रेंड्स जो आवेदन होगा वो किससे होगा, डिजी लॉकर या आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे फ्रेंड्स वो उस पे अपलोड होने चाहिए या स्कैन करके लगेंगे, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? तो सारी चीजें फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स देखिए जैसा कि उपलिपिक की क्या है, यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स 100-100 अंकों के एग्जाम आप लोगों के होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स सिलेबस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो हिंदी व्याकरण और क्या है मौलिक ज्ञान है, हिंदी वर्णमाला है, तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है फ्रेंड्स, शुद्ध अशुद्ध लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम मुहावरे लोकोक्तियां रस छंद अलंकार आदि हैं। अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा से पुरस्कार और विविध टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स कंप्यूटर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स आना चाहिए, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स आपको, एल्गोरिथम आना चाहिए फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, शॉर्टकट कीज, ये सब टॉपिक देख लीजिए फ्रेंड्स, नेटवर्किंग, ये सारे टॉपिक हैं जो कंप्यूटर से आपके पूछे जाएंगे, ये सब कंप्यूटर है। अगर हम बात करें देखिए फ्रेंड्स आपके इतिहास या सामान्य जागरूकता, सामायिक विषय, सामान्य विज्ञान, भारत का आपके पास इतिहास है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सामायिक विषय फ्रेंड जैसा कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के सामायिक विषय हमेशा पूछा जाता है, ये सारी चीजें हैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स इस देख लीजिए, या इसकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल यूनिक क्लासेस 7373 पे हम डाल देंगे फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स मैथ की, नंबर सिस्टम है आपके पास, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है फ्रेंड्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है फ्रेंड्स, महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक है, रेशियो अनुपात और समानुपात है, लाभ हानि है फ्रेंड्स, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पार्टनरशिप औसत समय और कार्य समय और दूरी सारणी और ग्राफ का प्रयोग है फ्रेंड्स, मेंसुरेशन आपके पास है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अंकगणितीय संगणना है, विश्लेषणात्मक कार्य है, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैथ में इस समय यूपीपी एसएससी जीडी और एएसआई के लिए कवर करा रहा हूं, टॉपिक वाइज फ्रेंड्स मैं एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन लेता हूं, तो आप लोग वीडियो को जाके जरूर देखिए, बहुत मजा आने वाला है। क्लियर है? और 10 से 12 मिनट की मेरी वीडियो रहती है, मैं एग्जाम के पहले सब कुछ पूरा कवर करा दूंगा फ्रेंड्स। देखेंगे तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, 34-35 वीडियो उसमें पढ़ भी चुकी है, तो आप लोग पूरा कंप्लीट देख डालिए, आपका हर एक चीज यहां पे कवर होने वाला है। अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग की देख सकते हैं, तार्किक आरेख है फ्रेंड्स आपके पास, संकेत संबंध विश्लेषण है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, शब्द रचना परीक्षण है, अक्षर और संख्या श्रृंखला है, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग यहां पे सारी चीजें, आपका दिशा ज्ञान परीक्षा है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना सिलेबस देख ही चुके होंगे कि ये सारी चीजें देख लीजिए फ्रेंड्स, सबका स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए कि क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछी जाने वाली है। तो देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ग्रुप आईक्यू टेस्ट में जो एग्जाम क्वेश्चन आएंगे वो क्या है फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग आपका है, प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट है, वर्णमाला है, सीरीज कंप्लीशन है फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समरूपता है फ्रेंड्स, भिन्नता है आपके पास, देख सकते हैं कि यहां पे जैसे कि ये सारी चीजें हैं आपकी, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको सिलेबस भी बेहतर तरीके से पता होना चाहिए क्या चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो देखिये फ्रेंड्स सारी इन्फॉर्मेशन जितना हो सकता था मैंने वो दे दिया है फ्रेंड्स, मैं हमेशा वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो एकदम आप सभी लोगों के लिए ऑथेंटिक हो। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।